हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. वेलकम इन माय क्लास. वी ऑलरेडी स्टार्टेड आवर चैप्टर केयरिंग फॉर द पीपल अराउंड अस. ओके, नाउ वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट केयरिंग फॉर एल्डरली पीपल. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल चैलेंज्ड पीपल. ओके, मोस्ट ऑफ us are fortunate that we can speak. हम सभी जो लोग हैं, ठीक है, अपन सब क्या कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं. हियर वी कैन हियर सी कैन डू थिंग्स ऑन आर ऑन. ओके, हम क्या कर सकते हैं, ये सभी जो काम है वो अपन खुद से कर सकते हैं. अपन क्या कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, देख सकते हैं. ओके, नाउ बट देर आर मैनी पीपल अराउंड अस. लेकिन अपने चारों ओर बहुत सारे लोग ऐसे हैं हु कांट सी, जो क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, हियर और सुन नहीं सकते और स्पीक. हमारे चारों ओर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और स्पीक नहीं कर सकते. सच पीपल आर कॉल्ड फिजिकल चैलेंज्ड पीपल. ओके, ऐसे लोगों को अपन क्या कहेंगे, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल. ओके, नाउ नेक्स्ट, सम पीपल हैव सम मेंटल डिसेबिलिटीज. ओके, सम पीपल हैव सम मेंटल डिसेबिलिटीज. कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी मेंटल प्रॉब्लम भी होती है. ओके, मेंटली वो कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड नहीं होते, डिसेबल होते हैं. जैसा अपन जितना सोच सकते हैं उतना वो नहीं सोच सकते. बिकॉज ऑफ विच, क्योंकि दे कांट थिंक प्रॉपरली, क्योंकि उनका जो माइंड है वो डेवलप्ड माइंड नहीं होता, इसीलिए वो प्रॉपरली नहीं थिंक कर सकते, नहीं सोच सकते, वो सारी चीज़ों को अच्छे से नहीं सोच सकते. एंड आर कॉल्ड मेंटली चैलेंज्ड पीपल. और ऐसे लोगों को अपन क्या कहेंगे, मेंटली चैलेंज्ड पीपल. क्या कहेंगे, मेंटली चैलेंज्ड पीपल. दे गो टू स्पेशल स्कूल्स फॉर लर्निंग. और इसी वजह से ऐसे जो लोग होते हैं उनको सीखने के लिए, उनको पढ़ने के लिए स्पेशल स्कूल्स में जाते हैं. ओके, नाउ देयर दे आर टॉट इन ए डिफरेंट वे बाय स्पेशल टीचर्स. ओके, इसीलिए उनके लिए वो क्या होता है, स्पेशल टीचर्स के द्वारा स्पेशल तरीके से, स्पेशल वे होता है, डिफरेंट वे से टीचर्स के द्वारा उनको क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है. ओके, नाउ डीफ एंड डम पीपल. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट डीफ एंड डम पीपल. People who can't hear are called deaf. जो लोग सुन नहीं सकते. ओके, अपन सारी चीज़ों को अच्छे से सुन सकते हैं, बट जो लोग सुन नहीं सकते अच्छे से, उन लोगों को अपन क्या कहेंगे, deaf. क्या कहेंगे, deaf. Whereas people who can't speak are called dumb. ओके, people those can't hear, जो लोग सुन नहीं सकते उनको अपन क्या कहेंगे, deaf. एंड पीपल हु कांट स्पीक, जो लोग बोल नहीं सकते उनको अपन क्या कहेंगे, डम. दे कम्युनिकेट विद अदर्स, और वो क्या करते हैं, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं. कैसे कम्युनिकेट करते हैं, यूजिंग साइन लैंग्वेज. अपनी जो साइन लैंग्वेज है, इट मीन्स दैट इशारों से जो बात की जाती है वो एक दूसरे से इसी तरह कम्युनिकेट करते हैं. डन. नाउ साइन लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन द आइडियाज रेदर देन ऑन द वर्ड्स. और ये जो साइन लैंग्वेज है ये क्या करती है, किस पे बेस होती है, ऑन द आइडियाज रेदर देन ऑन वर्ड्स. कुछ वर्ड्स पे बेस्ड होती है. वी कैन शो आर केयर फॉर सच पीपल. और इसीलिए ऐसे लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए, केयर करनी चाहिए, बाय ट्राइंग टू लर्न देयर साइन लैंग्वेज. ओके, और अपन उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, उनकी केयर कैसे कर सकते हैं,
उनकी जो साइन लैंग्वेज है उनको समझने की अपन कोशिश कर सकते हैं. ओके, लर्न देयर. इनकी जो साइन लैंग्वेज होते हैं, इनकी इस लैंग्वेज को सीख कर लर्न करके हम इनकी हेल्प कर सकते हैं, हम इनकी केयर कर सकते हैं. और बाय कम्युनिकेटिंग विद देम यूजिंग रिटन मैसेजेस, या फिर अपन इनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, रिटन मैसेज से अपन इनसे बात कर सकते हैं और इस तरह से अपन इनकी हेल्प कर सकते हैं. डन. वी शुड नॉट मेक फन ऑफ देम, और हमें कभी भी इनका मजाक नहीं बनाना चाहिए. रेदर प्ले विद देम एंड शो आर केयर टू देम. ओके, और इसके अलावा अपने को क्या करना चाहिए, इनके साथ प्ले करना चाहिए एंड इनकी अपने को केयर करनी चाहिए. डन. वी शुड नॉट मेक फन ऑफ देम, इनका अपने को मजाक कभी भी नहीं बनाना चाहिए. प्ले विद देम एंड शो आर केयर टू देम, हमें उनके साथ में अच्छे से प्ले करना चाहिए और उनके लिए अपने को केयर है वो करनी चाहिए, अपने को केयर शो करनी चाहिए. ओके, नाउ इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि इसमें साइन लैंग्वेज से ये है वो अपने जो भी इनके आइडियाज़ है वो शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ प्ले कॉल्ड माइम ऑल्सो यूजेज साइन एंड सिंबल फॉर एक्सप्रेशन. एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है जब आप प्ले करते हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, माइम एंड ऑल्सो यूजेज साइन एंड सिंबल्स. और उसमें भी क्या होता है, साइन और सिंबल्स का यूज किया जाता है अपने एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट विजुअली इम्पेयर्ड. ओके, वी टॉक अबाउट विजुअली इम्पेयर्ड. नेक्स्ट, मैनी चिल्ड्रेन लूज देयर आई साइट बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे चिल्ड्रेन ऐसे होते हैं जो अपनी जो आई साइट है, अपनी आँखों की जो रोशनी है वो खो देते हैं. कैसे खो देते हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि सर्टेन रीज़न, क्योंकि उनके कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं. सच चिल्ड्रेन आर नाउन एज विजुअली इम्पेयर्ड, इस तरह के जो लोग होते हैं उनको अपन क्या कहेंगे, विजुअली इम्पेयर्ड. ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन कैरी ए वाइट स्टिक व्हाइल गोइंग आउट नाउन एज कैन. ओके, मोस्टली जो विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन होते हैं, ठीक है, उनके पास क्या होती है, वाइट स्टिक होती है जो क्या करती है उनको, वाइट स्टिक व्हाइल गोइंग आउट, जब भी ये लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, तो इनके हैंड में क्या होता है, वाइट कलर की स्टिक होती है और इस स्टिक को अपन क्या कहेंगे, कैन. लाइक मोस्ट ऑफ द अदर पीपल, मोस्ट ऑफ द अदर पीपल दे ऑल्सो डू मोस्ट ऑफ देयर वर्क. मोस्टली लोग कैसे होते हैं, इनके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, दे ऑल्सो डू मोस्ट ऑफ देयर वर्क देमसेल्व्स. ठीक है, ऐसे जो लोग होते हैं वो मोस्टली अपना जो वर्क होता है वो खुद करते हैं, देयर ऑन वर्क. दे गो टू ए स्पेशल स्कूल टू स्टडी एंड लर्न, और इसके लिए ये क्या करते हैं, स्पेशल स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए. देयर बुक्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आर्स, और इनकी जो बुक्स होती है वो क्या होती है, अपनी बुक्स से डिफरेंट होती है. ओके, क्या होती है, अपनी बुक्स से डिफरेंट होती है. ओके, नाउ डन. इन रिमेनिंग चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू, बाय बाय.